हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है मेरे कॉलेज का टूर का है, तो हम आ चुके अपने कॉलेज पे। तो मैं अब अपने कॉलेज की एंट्री से लेके लास्ट का एग्जिट तक का अपना पूरा टूर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो को बिगिन करते हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके अपने गेट पे। तो गेट के अंदर जाने वाले, यहाँ पे बहुत ही धूप है, तो अब देखते हैं इसका एंट्री कैसा है। तो हम अपने गेट में एंट्री मारने वाले जैसे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्किंग का भी सिस्टम लगाया गया। यहाँ पे साइकिल और बाइक पार्क किए जाते हैं। इसके पीछे में देख सकते हैं, पीछे गार्डन है बहुत ही अच्छा। ये हमारा मेन व्यू जो है अपने कॉलेज का है। ये देख सकते हैं आप कि मेरे कॉलेज का विज्ञान भवन है, जिसमें कि साइंस की स्ट्रीम का पढ़ाई किया जाता है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो जाते तुरंत अंदर, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कैसा है। यहाँ पे कुछ बाइक्स पार्क किए गए। यहाँ पे लगता है अभी एग्जाम चल रहा है BSc या BA पार्ट वन का। तो अभी अंदर जाने का तो एंट्री अलाउ नहीं होगा, तो चलिए दूसरे साइड का व्यू करते हैं। चलिए इस साइड जाते हैं अभी। तो आप ये देख सकते हैं कि साइड से कैसा लगता है मेरा साइंस का जो ये भवन था, जिसको मैंने आगे से अभी व्यू करा। तो अब इधर से देख सकते हैं कैसा लगता है, फिर चलिए आगे चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पीछे से कि विज्ञान का भवन जो था कितना अच्छा लगता है। पीछे से पूरा जो विंडोज़ है एक सीरीज़ में सजाया हुआ है, बनाया हुआ है। और उधर देख सकते हैं आपके, उधर परीक्षा भवन है, उधर भी जाके आगे से व्यू करेंगे। उसके बाद और भी उसका डिटेल्स देखेंगे कैसा क्या आगे से। चलिए और देखते इधर क्या क्या है। इधर कुछ हॉस्टल्स के तरह लग रहा है। और इधर देख सकते कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ते जाके आगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट एंड कल्चर, ये जो डिपार्टमेंट है स्पोर्ट और कल्चर का है। तो खैर, अंदर जाने की थी अलाउ नहीं हो सकता है, हम भी क्योंकि पहली बार हैं, इसलिए अभी बाहर से व्यू करके चल रहे हैं। इधर बात की जाए तो इधर भी उसी का जो है रूम्स बना हुआ है। तो कुछ ज़्यादा इधर है नहीं, बस उधर सच्चिदानंद भवन है। सच्चिदानंद भवन क्या है ये हमें भी नहीं पता है गाइस, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो बस देख सकते हैं इधर काम हो रहा है रंगाई का। ये जो भवन है ये अभी कलर हो रहा है, पूरी तरह से बिखरा हुआ है सब इधर बांस। और थोड़ा और आगे जाते हैं वहाँ पे लग रहा है कि शायद लड़कों के लिए हॉस्टल बना हुआ है। चलिए वो अभी देखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर लाइट लगा हुआ, रात को यहाँ पे कुछ खेल स्पोर्ट्स के लिए। तो हम पहुंच चुके अपने छात्रावास पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में कुछ लिखा हुआ है राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास। तो अब इसके अंदर जाते हैं, फिर बाहर से आउटलुक का टूर करके वापस चल जाएंगे। इस साइड के बॉयज हॉस्टल में, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पे बीम खींचने के लिए बनाया हुआ, वहाँ होता सब जिम करते हो गए उनके लिए। देख सकते हैं आप कितना अच्छा हुआ, अंदर जाने का परमिशन हो जाता कि नहीं, इसलिए हम नहीं ही जाएंगे। बस इतना तक आपको दिखा देते कि यहाँ से कैसा इसका व्यू।
यहाँ पर एक बॉयज़ का हॉस्टल और उधर भी था, यानी कि इस कॉलेज में अभी तक दो बॉयज़ के हॉस्टल मिल चुके हैं हमें। तो और कर देते कॉलेज टेक है बॉयज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे यानी कि सुविधा उपलब्ध है। देख सकते ऊपर छत भी बना हुआ है दोनों साइड। तो हम इस साइड से जाते हुए अब चलते अपने कला भवन की ओर। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लग रहा है कि यहाँ पे टेनिस और वॉलीबॉल और एक क्या है बैडमिंटन, इन तीनों का स्पेशल स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं इधर जंगल पड़ा हुआ है, बंद है, तो इधर जाना बेकार है। तो चलिए वापस उधर नेक्स्ट व्यू की ओर जाते हैं। But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, cause there will be a fight. So guys, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कॉलेज का एक और सेकेंड एग्जिट का डोर बन रहा है। ये तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है जैसा कि मेन फ्रंट गेट था इसका, बस नॉर्मल लगता है एग्जिट के लिए बनाया गया। इधर देख सकते हैं आप, एग्जिट कट के आप उधर निकल सकते हैं, उधर का भी व्यू कराएगा आपको। चलते हैं वापस से अपने वीडियो में। तो हम पहुंच चुके हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे इस कॉलेज का सभी काम होता है। तो यहीं पे देख सकते हैं सारा काम होता है, जितना भी प्रोसेस होता है इस कॉलेज में, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन या किसी भी चीज़ का, यहीं पे होता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में और ये बहुत सारा एग्ज़ाम चल रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन या एडमिशन का फीस चल रहा है, वही सब हो रहा है यहाँ पे। तो सामने में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुस्तकालय भी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन हम भी अंदर कभी नहीं गए, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो अभी नहीं जाने वाले। इस साइड का भी करते हैं पैसा है। यहाँ पे देख सकते कि गाड़ी पार्क किए गए, उधर टॉयलेट बना हुआ है। ये रहा हमारे कॉलेज का मेन ऑफिस जो होता है हुआ है। आप यहाँ से देख सकते कितना अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ पे पेड़ पौधे का भी जो है ना अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। देख सकते बगल में ही पार्क है, इस पार्क का भी अच्छी तरह से हम सीन देखने वाले हैं। Don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. पहुँच चुके हैं अपने कॉलेज के एक और साइकिल या बाइक पार्किंग सेंटर में। यहाँ पर भी साइकिल और बाइक पार्क किए जाते हैं। We'll be right back.
ये हो गया पैखाना, टॉयलेट जो होता है अपने कॉलेज का, ये हो गया बड़ा सा जनरेटर, डीजल जनरेटर, ये आ चुके हैं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति और पुरातत्व विभाग, इधर जो होता है आर्कियोलॉजी का स्टडी किया जाता है, देख सकते हैं आपने। तो ये है हमारे कॉलेज का बैंक यहीं पे जो होता है, जितना पेमेंट यहाँ पे पूरा किया जाता है। इधर भी है खिड़की लेकिन ये बंद हो चुका है, यहीं पे सब कैश काउंटिंग लिया जाता है। चलते आगे, ये हो गया अपना जनरेटर इस कॉलेज का, ये पूरा बैंक का सीन आगे से। तो वापस हम पहुँच चुके अपने मेन गेट पे, तो यहाँ अभी निकलना नहीं क्योंकि और भी कुछ भवन से बचे हुए जिनको हम दिखा रहे हैं। इधर फिर गार्डन हो गया, तो चलिए भी इधर का व्यू करते हैं। पहुंच चुके अपने परीक्षा भवन में कॉलेज के, तो ये बहुत ही बड़ा साथ दिख रहा है, परीक्षा भवन है, यहाँ पर सकता है एग्जाम अटेंड किया जाता है, अरेंज किया जाता है। चलिए बाहर से व्यू करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हेलो गाइस, देख सकते हैं कि ये मेरे एग्ज़ाम का जो है सेंटअप एग्ज़ाम का प्रोग्राम है, तो इसी रूटीन में मेरा कब से एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसी के लिए हम उतने दूर से चल के आए हैं बस इसी को जानने के लिए। तो वापस हम पहुंच के अपने कॉलेज के एग्जिट डोर पे, जिससे आए थे उधर से ही निकलने वाले, क्योंकि उधर का जो गेट है वो हमको दूसरे लाइन में ले जाएगा, तो मैं जहाँ से आया था वहीं से एग्जिट मारने वाला हुआ। वीडियो प्ले बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हम वापस से अब एग्जिट मारने वाले, चले जाते हैं वापस अपने कॉलेज के एग्जिट पर। तो आई होप कि आप मेरे कॉलेज का टूर का पूरा एंजॉय लिए होंगे। तो चलते बाहर, उसके बाद फिर आपको दिखाते बाहर। यही है हमारे कॉलेज का बैंक, जिस पे आप देख सकते लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा जीटी कॉलेज ब्रांच, यहीं पे पेमेंट होता है।